अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे रियलमी C30 का FRP बाईपास। तो देख सकते हैं, इसके लिए मैंने इस्तेमाल में लिया है लॉक सिम का। तो लॉक सिम इसके अंदर डाल दिया है और लगा देते हैं सिम को। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉक स्क्रीन का ये आ चुका है। तो अभी हम सिम इजेक्ट करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, साथ में पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। जैसे निकालेंगे वैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन लॉक इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे रियलमी ग्लैंस करके ये सब रहते हैं, आर्टिकल वगैरह चलते रहते हैं, तो इसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो शेयर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, इस तरह का ऑप्शन आएगा। फिर आगे नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे शेयर करने के, उसमें से मैसेज वाला चुनेंगे, जस्ट वन करेंगे और न्यू मैसेज यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी डाल देंगे और उसके ऊपर मैसेज करेंगे। लेकिन ये वाला मैसेज सब हटा देंगे, अपने को मैसेज कुछ और करना, ठीक है। तो ये सब हटा देता हूँ मैं। और www.youtube.com, ठीक है, ये URL लिख करके मैं सेंड कर दूँगा। ऐसे सेंड करूँगा, बाद में इसे रिफ्रेश करना है। एक बार रिफ्रेश करेंगे तो YouTube का लिंक आ जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे YouTube का ऐप ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाके प्रोफाइल पर क्लिक करना है, सेटिंग में आना है, लास्ट में आएंगे अबाउट में। बाद में दो ऑप्शन में से कुछ भी चुन लेंगे, गूगल प्राइवेसी पॉलिसी। जैसे ही क्लिक करेंगे हम ब्राउज़र पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ब्राउज़र पे आने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है VN ROM, ठीक है। तो ब्राउज़र में आके मैं सर्च कर लेता हूँ VN ROM। पहली जो लिंक है उसे ओपन करेंगे VN ROM.net, और यहाँ पर आकर हम फ़ोन की सेटिंग में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं फ़ोन की सेटिंग में क्लिक कर रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ। सेकेंड वाला ऑप्शन जो पैटर्न लॉक वाला है वो ओपन हो रहा है, इसे ओपन करते हैं। पैटर्न लगाते देखते होता कि नहीं। तो फ्रेंड्स, ये तो नहीं हो रहा है, पैटर्न नहीं लग रहा है। दूसरा कुछ रास्ता देखते हैं, किस तरह से फ़ोन की सेटिंग के अंदर जा सकते हैं या फिर तो वापस से ट्राई करता हूँ पैटर्न लगा के, नहीं हो रहा है। यहाँ पे सेटिंग में जाने का रास्ता मिल गया, ठीक है। इन्फो पे क्लिक करेंगे और सेटिंग के अंदर चले जाएंगे, यहाँ ओपन पे क्लिक करके, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फ़ोन की सेटिंग में आ चुके हैं। अबाउट में जाते हैं, रियलमी C30 लिखा हुआ है और एंड्रॉयड 11 के ऊपर ये रन हो रहा है, ठीक है। एंड्रॉयड 11 के ऊपर दोस्तों ये रन हो रहा है। अभी देखते हैं किस तरह से इसे बाईपास करना है। तो मैं जाता हूँ ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जाने के बाद एंड्रॉयड ऑटो को, एंड्रॉयड सेटअप को एक बार डिसेबल करता हूँ। तो यहाँ पर ऑलरेडी डिसेबल है, फोर्स स्टॉप लगा के देखते हैं। तो ये सब से तो काम नहीं बनने वाला। अब इसका जो गूगल प्ले सर्विस होता है उसे एक बार डिसेबल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्ले सर्विस पे आ चुका हूँ इन्फो में, और उसे डिसेबल कर देता पहले कि एक बार क्लियर करके देखते, ठीक है। क्लियर कर लिया, जैसे ही क्लियर किया मैं सेटिंग के बाहर चला गया। वापस से सेटिंग के अंदर आते हैं, ऐप में जाते हैं और यहाँ पे गूगल प्ले सर्विस, इसको फोर्स स्टॉप लगा के डिसेबल कर देते हैं। तो फाइनली ये डिसेबल हो चुका है। कन्फर्म करने के लिए देख लेते हैं ये शॉर्टकट जो मैंने पहले निकाला था। अब ये इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा है जबकि इंटरनेट इसे दिया हुआ है, ठीक है। प्ले सर्विस इसके अंदर डिसेबल हो गया है, कुछ भी गूगल की सर्विसेज अभी नहीं चलेंगी। तो वापस से बैक लेते हैं। तो दोस्तों बैक लेते हैं, और जहाँ पे सेटअप था हमारा रुक जा रहा था, FRP लगा हुआ था, वहाँ से आगे नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट किया मैंने, ठीक है। तो ये टाइम ले रहा थोड़ा। फ्रंट कॉपी करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली ये FRP हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो आगे का स्टेप आ चुका है। इसे अनटिक करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और स्किप का भी ऑप्शन आ चुका है। किसी तरह से मैं फटफट से सब कर देता हूँ स्टेप, और होम स्क्रीन पे जाते हैं, गेट स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनली हमारा रियलमी C30 FRP बाईपास हो चुका है। ऊपर मोड है उसे ऑन करते हैं, और उसके अंदर OEM को ऑन करने के बाद हम इस फ़ोन को रीसेट मार देंगे, क्योंकि इसके अंदर जो भी डिसेबल वगैरह किया है वो सब वापस से रीसेट हो जाएगा। तो OEM ऑन किया मैंने डेवलपर में जाके, और इसे रीसेट कर दिया, ठीक है। सिम निकाल देते हैं, अब इसका कुछ काम नहीं है, थोड़ा टाइम लेगा ये रीसेट होके वापस बूट लेने में, 3 से 5 मिनट ऐसा कुछ लेता है। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा दिया है,
तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं FRP हट चुका है, ऊपर में जो लॉक का साइन था वो हट चुका है और ये पूरा रीसेट होके वापस खुला है। नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू करते हैं। अभी वाईफाई देने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, स्किप करते हैं और ये दो फालतू के ऑप्शन इसे बंद कर देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, स्किप करते हैं। फाइनली गेट स्टार्ट आ गया और फ़ोन हमारा ओपन हो गया। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड पीस।